कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो मेरे हरी भरी बगिया में आपका स्वागत है। ये देखिए हिबिस्कस में फ्लावरिंग हो रही है, कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और बॉट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो फ्रेंड, आज मैं गर्मियों का बहुत ही प्यारा एक प्लांट है जिसके बारे में बात करने वाली हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ वो प्लांट। ये देखिए फ्रेंड, जैसे जितने ही प्यारे इसके फ्लावर हैं उतने ही प्यारा ये प्लांट है। और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात, ये कटिंग से भी ग्रो हो जाता है और ये सीड से भी ग्रो हो जाता है। और ये मतलब फ्लावरिंग के बाद ये आपको सीड दे देता है। तो आप ये देखिए बर्ड्स बने हुए हैं। अब जब ये ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इसके सीड्स, ये देखिए, ये देखिए। तो ये बहुत ही प्यारा प्लांट है और इसके बहुत सारे कलर भी आते हैं। तो आपको इसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं, अगर एक बार आप अपने गार्डन में इसे लगा लेंगे तो उसके बाद ये अपने आप ही जर्मिनेट होता जाता है। और ये देखिए मैंने कितने छोटे से डब्बे में इसे लगाया हुआ है। और देखिए इसमें रियो भी है और ये पर्सलेन भी है। और ये इसमें मैंने एक दो प्लांट लगाए थे और इसमें अपने आप ही जर्मिनेट भी हो जाते हैं। तो इसे आप अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। ये देखिए बटरफ्लाई भी आ रही है। तो इसमें बहुत सारे कलर आते हैं। इसका नाम है मैक्सिकन पिटूनिया। सब कुछ मैंने बता दिया, नाम बताया ही नहीं। तो आप इसे ज़रूर ग्रो करें अपने गार्डन में। देखिए कितना प्यारा फ्लावर है, ये देखिए। और इसे फुल सन लाइट में रखेंगे तो बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा और इसको ज़्यादा वाटरिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप चाहें तो इसे कटिंग से भी बहुत ईजिली ग्रो कर सकते हैं। वाटर में भी बहुत जल्दी इसमें रूट बन जाते हैं। अगर पानी में आप ग्रो करना चाहें तो भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो ये गर्मियों का बहुत ही प्यारा प्लांट है। इसमें मैंने बताया ही बहुत सारे कलर भी आते हैं। तो आप इसे ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये देखिए। तो मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार जुड़ें तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड, ये देखिए। राधे राधे।